इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं सीए कोर्स के, जो आपको इनविजिबल हो रहे हैं अभी, राइट। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही सिंसियरली वॉच आउट किया टिल एंड तक, तो आप जान पाएंगे कि यस, कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप सीए का कोर्स अभी भी कर रहे हो और आपको उसमें कुछ चीजें नहीं पता है जो आपको पता होनी चाहिए थी, राइट, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो मैं विदाउट कोई भी फर्दर डिले किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने कि दैट इज इनविजिबिलिटी इन द सीए कोर्स, और उसके लिए आपको बी अवेयर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो दिस साइड सी नितिन चावला, यू ऑल आर वॉचिंग सी नितिन चावला यूट्यूब चैनल। तो प्लीज अगर आप चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सोशल मीडिया पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। बिफोर एंटरिंग इन टू द सी ए कोर्स, जब आप सी ए कोर्स में एंटर करते हो तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको आज वो चीज बता रहा हूं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो सी ए कोर्स के अंदर, जब आप ज्वाइन करते हो सी ए कोर्स को, तो आप दूसरों को देख करके ज्वाइन कर लेते हो कि यार ये सी ए कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ सी ए, ठीक है, अगर ये सी ए कर रहा है तो मैं भी सी ए कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिफोर एंटरिंग इन टू द सी ए कोर्स, आपके माइंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, व्हाट शुड कैप्ट इन योर माइंड, आपको सीए वर्ड में कदम रखने के लिए, दैट इज आपका पर्पस। आपका पर्पस पता होना चाहिए कि पर्पस शुड बी क्लीन एंड नीट होना चाहिए, और वो पर्पस क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके अंदर, कि आप कोर्स क्यों कर रहे हो, सीए का कोर्स क्यों कर रहे हो, व्हाई आई एम डूइंग दिस कोर्स, राइट, एंड व्हाई आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये माइंड में सबसे पहले आपके बनना चाहिए कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको नंबर में, मतलब फिगर्स में, अगर फिगर्स में अच्छा लगता है प्ले करना, या फिर आपको डिसीजन मेकिंग करना आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको एक फाइनेंस में इंटरेस्ट आता है, या फिर आपको गवर्नेंस के अंदर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने में आपको इंटरेस्ट है, इन दैट सिचुएशन आप सही ट्रैक पे हो, आपको पर्पस आपको पता है, दैट इज आपका पर्पस बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, आपका पर्पस बिल्कुल नीट एंड क्लियर है। कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि सीए के कोर्स को लेकर के ये होता है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है कि एक अकाउंटिंग का काम करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है एक जीएसटी का काम करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है रिटर्न फाइलिंग का काम करना। नहीं, ये अकाउंटेंट का काम होता है, अकाउंटेंट का, राइट। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप एक अकाउंटेंट का काम देखते हो, अकाउंटेंट काम करता है ये अकाउंट, ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग अकाउंटिंग का जो काम होता है अकाउंटेंट का काम होता है, सीए का काम नहीं होता है। और सीए का जो काम होता है वो होता है लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट करना, फॉरेंसिक ऑडिट करना, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर आईबीसी बनना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करना, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के साथ फाइनेंशियल एनालिसिस का काम करना, उसके साथ बिजनेस का वैल्यूएशन करना, ये बड़े बड़े काम आप करते हो। अगर आप सीए को कोर्स को ज्वाइन करने से पहले ये माइंड में अगर आपकी चीजें नहीं आ रही और आप सिर्फ ये सोचोगे कि सीए करने के बाद मेरे को अकाउंटिंग करनी है, जीएसटी करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट कर रहा है, आप सीए करके क्या करोगे, राइट। आप तो ऑफकोर्स है 12वीं 12th करने के बाद, जो बीकॉम करने के बाद आप जो अकाउंटेंट होते हैं वो ये काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, अगर आपको नंबर में प्ले करना अच्छा लगता है, आपको एनालिसिस करना अच्छा लगता है, आपको डिसीजन मेकिंग करना अच्छा लगता है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस आपका एम है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे फाइनेंस और गवर्नेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को बिल्डअप करना है, देन एब्सोल्युटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ सीए करने के बाद, आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, मैं आपको अपनी भी बात बता देता हूँ, जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था तो मेरे माइंड में पहले ही ये था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में अच्छा था, मेरे को काम बहुत अच्छा आता है, मैं टेक्निकली भी स्किलफुल पर्सन हूँ और साथ में मेरा क्वालिफिकेशन स्किल्स भी मेरा बहुत अच्छे से, मैंने अपने आपको एक्सप्लोर किया है, राइट, हर चीज में मैंने आपको एक्सप्लोर किया है। आईसीआईसीआई बैंक से मेरे को ऑफर आया था, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो सिर्फ मैंने इंटरव्यू अपनी एक लर्निंग के लिए लिया था, अदरवाइज मेरे को ज्वाइन नहीं करना था। तो 11 LPA का मेरे को ऑफर किया गया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट एट द सेम टाइम मैंने उस जॉब को भी छोड़ दिया था, रीजन क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना था, क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर था। और प्रैक्टिस के लिए आपको, अब मैं जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, आफ्टर क्वालिफाइंग सीए करने के बाद आप तीन चीज में जा सकते हैं, फर्स्ट वन आपका जॉब, तो आप जॉब करेंगे, या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कोई बिजनेस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर टीचिंग में जाएंगे आप,
तीन ही फील्ड है अपने पास। अब अपने पास क्या है कि यहां पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है दैट इज नो जॉब फॉर सीए। क्या यूज किया जा रहा है आज के टाइम में मार्केट में वर्ड यूज हो रहा है नो जॉब फॉर सीए। क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट कि आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर आपको जॉब नहीं लग रही। कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, प्रोफेशनल स्किल्स हो सकता है, लर्निंग का लैक हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सीए में आपको क्या नहीं लग रहा, जॉब नहीं लग रहा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सीए कोर्स के दौरान जब आप सीए की स्टडी करते हैं तो उसमें आपको टाइम नहीं मिल पाता कि आप लर्निंग करें, स्किल्स करें। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा सीए बनना है, राइट? अदरवाइज आप बहुत सारे सीए ऐसे भी है मार्केट में 20,000, 25,000, 30,000 पे लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ आपकी वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अब आती है प्रैक्टिस और बिजनेस की बात। तो प्रैक्टिस और बिजनेस में क्या चाहिए अपने पास? टेक्निकली भी आप साउंड होने चाहिए और प्रोफेशनली भी आप साउंड होने चाहिए। आपको पूरा प्रैक्टिकल चीजों का पता होना चाहिए कि जो भी क्लाइंट आ सकता है मेरे पास, कोई भी क्लाइंट घूम के आ सकता है मेरे ऑफिस में, और उसके लिए मेरे को क्या करना है, रेडी रहना है, तो मेरे को मैं अच्छी स्किल्स के साथ अपनी प्रैक्टिस डेवलप कर सकूं। ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सीए के दौरान हमें ये भी चीज नहीं सीखने को मिलती है ना। इसके अलावा टीचिंग, आप टीचिंग में जाओगे तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा है, कंसिस्टेंसी भी रहनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन भी काफी है। तो मैं एक आपको चीज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीए कोर्स में जाना चाह रहे हो तो आपको इनविजिबिलिटी जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, तो प्लीज वो ज्वाइन करने से पहले ये अपने माइंड अपने आप से क्वेश्चन पूछना, व्हाई शुड आई डू सीए, राइट? मुझे क्यों सीए करना चाहिए? व्हाई आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो पर्पस शुड बी क्लीन एंड नीट, अदरवाइज आप गलत ट्रैक पे आ जाएंगे और आपका एक जो डिसीजन है बहुत ज्यादा आपको हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए मेरे को ये लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए आप सभी के लिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, शेयर करना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना कि आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको रिवर्ट करूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।